आचार्य शंकर का जन्मदिन शुरू करते हैं। कल तक हम लोगों ने पढ़ा कि आचार्य शंकर अपने गुरु के पास नर्मदा के तीर में एक गुफा में जहाँ पे गोविंदपाद जी समाधिस्थ थे वहाँ पे वो पहुँच गए और उस समाधिस्थ योतिराज जोगीराज सुखदेव के शिष्य गौरवपाद उनके शिष्य गोविंदपाद जी को उन्होंने अपने स्तव के द्वारा समाधि से उन्होंने जगाया। और जब गोविंदपाद ने अपने आंखों को खोला और शंकराचार्य को देखा तब उनको पता चल गया कि यही वो है शिव अवतार जिसके लिए उन्होंने प्रतीक्षा किया था। और वो प्रतीक्षा भी एक दिन या दो साल, एक साल या दो साल का नहीं है, ये प्रतीक्षा 1000 वर्षों का है। उन्होंने 1000 वर्ष तक समाधि में रहकर शिवावतार शंकराचार्य का प्रतीक्षा किया कि जब वो आएंगे उनको ब्रह्म ज्ञान देके वो अपने ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। तो जब शंकराचार्य आए तब एक समय उन्होंने एक दिन उन्होंने शंकराचार्य को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया। और इसके बाद पहला जो वर्ष था उस दिन उस समय पहला जो वर्ष था उन्होंने उनको उनको हठ योग की शिक्षा दिया। इसके पश्चात जो द्वितीय वर्ष था उस समय उनको राजयोग का शिक्षा दिया। और इन दोनों योगों का शिक्षा से शंकराचार्य के भीतर बहुत सारे अलौकिक शक्तियों का संचार हुआ। और तत्पश्चात तृतीय जो वर्ष था तृतीय वर्ष में उन्होंने ज्ञान योग का शिक्षा दिया। और उस ज्ञान योग की शिक्षा कैसा, ध्यान धारणा श्रवण मनन निधिध्यासन इन सभी विषयों के जो गहरा तत्व है जो गुह्य तत्व है उन गोपनीय तत्वों को उनसे कहा। और ये जो अपरोक्ष अनुभूति का जो उच्चतम स्तर है उस अपरोक्ष अनुभूति के उच्चतम स्तर पे किस प्रकार से शंकराचार्य पहुंचेंगे उसकी विधि बताई, उसका रहस्य बताया। और इन गुरु के द्वारा दिए हुए ये जो विद्या है इस विद्या से शंकराचार्य का मन निर्विकल्प भूमि तक पहुंच गया। कल तक हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था निर्विकल्प भूमि मतलब एकदम उस परमात्मा तत्व परमात्मा या परम ब्रह्म जहां द्वितीय कोई और सत्ता नहीं है। जहां पे द्वितीय कोई और सत्ता नहीं रहता वहां पे केवल एक ही सत्ता रहता है और वो है वो परम ब्रह्म जिसके बारे में कहा नहीं जा सकता जो जो अवांग मनसो गोचरम है जो वाक्य और मन के परे है। उस वाक्य या मन के परे उस परमात्मा ही वो निर्विकल्प है। तो शंकराचार्य इस ज्ञान योग के द्वारा उस निर्विकल्प भूमि तक पहुंच गए। कल तक हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा था इससे अभी आगे पढ़ते हैं। गोविंदपाद देखलें शंकरे साधना और शिक्षा समाप्त हुए छे। इस निर्विकल्प भूमि मतलब जब वो एक उस एकत्व में पहुंच गए इसके पश्चात और कोई भूमि नहीं है और कोई वस्तु नहीं है। इसके बारे में भगवत गीता में कहा गया है यम लब्धा चापरम लाभम मन्यते नादिकम तथा जिसको पाने के पश्चात और किसी वस्तु को और किसी ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं होती क्योंकि इसके पश्चात और कोई ज्ञान है ही नहीं। उपनिषद में कहते हैं परमं ब्रह्म विद ब्रह्मैव भवति जो एकमात्र जो इस परमात्मा इस परम परम ब्रह्म को जिसने जाना जाना मतलब अनुभव किया जो इस परम ब्रह्म भूमि तक इस निर्विकल्प भूमि तक पहुंचा वो ब्रह्म ही हो जाता है। एकमात्र जो तत्व है जो सत्य है वो है परम ब्रह्म। जब कोई उस परम ब्रह्म तक पहुंच जाता है इसके पश्चात उसको और जानने लायक और कुछ नहीं रहता। न श्रोतव्यश
सुतश्चा उसको और सुनने योग्य और कुछ रहता नहीं है। तो शंकराचार्य उस स्थान तक पहुंच गए, उस अवस्था तक पहुंच गए और इसलिए गुरु देख रहे हैं कि उनका शिक्षा जो है वो पूर्ण हुआ है, शंकराचार्य का शिक्षा पूर्ण हुआ है। गोविंद पाद देखलें शंकरेर साधना और शिक्षा समाप्त होयेछे, शिष्य एखन सेई ब्रह्मी स्थिति रूप अवस्थाय उपनीत होयेछे, जाते प्रतिष्ठित होले श्रुति बोलेछेन विद्यते हृदय ग्रंथि छिन्दन्ते सर्व संशयाः। मुझे शंकराचार्य के जो जो गुरु है वो देख रहे हैं कि उनका शिष्य उस ब्राह्मी स्थिति की अवस्था में पहुंचा, मतलब वो ब्रह्म में पूर्ण रूप से स्थित हो गए। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनम व्याप्य विमुच्यति स्थित्वा शांत कालोपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं यही वो ब्राह्मी स्थिति है जिसको एक बार पाने से जीवन के अंत में भी, जीवन के अंतिम क्षणों में भी अगर वो उसको प्राप्त कर ले, वो प्राप्ति उसे शाश्वत हो जाता है, हमेशा के लिए हो जाता है, वहां से उसको वो और वापस नहीं आता। तो उस अवस्था को भगवान शंकराचार्य ने लाभ किया, उस अवस्था को भगवान शंकराचार्य ने लाभ किया और इसलिए वहां पे प्रतिष्ठित हो गए। जिस अवस्था के बारे में श्रुति कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, विद्यते हृदय ग्रंथि छिन्दन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते सर्व कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। जिसको प्राप्त करने से, जिसे प्राप्त करने से सभी कर्मों का अवसान हो जाता है, सभी कर्मों का अवसान हो जाता है, मतलब सभी चिंताओं का, सभी पूरे मन बुद्धि चित्त अहंकार अभाव, ये सभी वस्तुओं का लोप प्राप्त होता है, वो उस परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। विद्यते हृदय ग्रंथि छिन्दन्ते सर्व संशया, उस हृदय ग्रंथि को भेद करके उस परमात्मा तक यात्रा जब होती है, जब उस परमात्मा को प्राप्ति होती है, तभी ही सभी संशय हमसे दूर हो जाता है, हमारे भीतर और कोई संशय रहता ही नहीं है। तो शंकराचार्य उस अवस्था को प्राप्त किए। से परापर ब्रह्म दृष्ट होले द्रष्टा अविद्यादि संशय रूप हृदय ग्रंथि समूह नष्ट हुईया जाए एवं कर्मराशि क्षय प्राप्त है। उस पर ब्रह्म को पाने से जितने भी अविद्या है, जितने भी अज्ञान है, सभी अज्ञान भय ये सब दूर हो जाता है और उनके जितने कर्म है वो सभी कर्म और जितने भी संशय है, जितने कर्म है सभी संशय और कर्मों का लोप प्राप्त होता है, क्षीण हो जाता है। शंकर एवं से दुर्लभ अवस्था स्थिर हो गए थे। उस दुर्लभ अवस्था में जहां पे ब्रह्म को छोड़कर या ब्रह्म व्यतीत और कोई अस्तित्व ही नहीं है और कोई सत्ता ही नहीं है, उस दुर्लभ अवस्था में शंकराचार्य स्थित हो गए। ये कौन देख रहा है, ये उनका गुरु देख रहे हैं। वर्षा समागत नर्मदा बेष्टित ओंकारनाथ शोभा अनुपम कयेकदिन जाबत चलछे अविराम बृष्टि नर्मदार जल क्रमे स्फीत हुए दूर पल्लवी बन्यार रूप धारण करेछे, प्रबल जलस्रोत भाषिये निये चलेछे सबकिछु, ग्रामबासीगण गृहपालित पशु समेत आश्रय नियेछे निरापद उच्च स्थाने, गुरुदेव कयेकदिन जाबत समाधिस्थ हइया आछेन गुहा मध्ये, बन्यार जल बाढ़ते बाढ़ते गुहार द्वार पर्यन्त एसेछे, सन्यासीगण गुरुदेवर जीवन विपन्न देखे विशेष शंकित, गुहा मध्ये बन्यार जल प्रवेश अनिवार्य, अथच तिनि समाधिमग्न समाधि होते विच्युत करे ताके कोनो निरापद स्थाने निये जावार जन्य ব্যগ্র হয়েছেন সকলেই। এই ব্যগ্রতা দেখে শঙ্কর একটি মৃৎকুম্ভ সংস্কার করে
স্থাপিত করলেন গুহার দ্বার দ্বারে এবং সন্ন্যাসীদের বললেন আশ্বাসের সাথে স্বরে, আপনারা চিন্তিত হবেন না, গুরুদেবের সমাধি ভঙ্গ কখনোই সম্ভব নয়, কোনোই প্রয়োজন নেই। বন্যার জল এই কুম্ভ মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে প্রতিহত হবে, গুহা মধ্যে প্রবেশ করতে পারবে না। বলে কি যাব উনকা ইয়ে অবস্থা হো গিয়া, ব্রাহ্মী স্থিতি যাব হো গিয়া, উস সময় ও গুরুকে গৃহ নেই হ্যাঁ, তো বর্ষা ঋতু আ গিয়া, আর ও যে নর্ম ও যে ওঙ্কারেশ্বর মে ও হ্যাঁ, ওঙ্কারনাথ মে ও হ্যাঁ, নর্মদা মে বহুত দিনো সে বর্ষা হো রহি হ্যায়, আর ইয়ে বর্ষা ধীরে ধীরে বাড়তে বাড়তে ওয়াহ পে বাড় আ গিয়া, পুরে গাঁও মে বাড় আ গিয়া, সবই জায়গা পে বাড় আ গিয়া। তো গাঁওবাসী আপনে মতলব আপনে যে জানোয়ার থে উন জানোয়ারো কো লেকর কে উচ্চ উচ্চ ভূমি মে চলে গয়ে। ইধর গুফা মে উনকে যে গুরুজি হ্যায় ইয়ে যতিরাজ গোবিন্দপাদ, গোবিন্দপাদ কুছ দিনো সে সমাধিস্থ হ্যায়। জব গুরু সমাধিস্থ হোতা হ্যায় तब ये शिष्य का धर्म होता है कि गुरु के समाधि को रक्षा करे। ऐसा कोई कार्य ना हो, ऐसा कोई कार्य ना हो या वो ऐसा कोई कार्य ना करे ताकि गुरु की ये समाधि भंग हो। शिष्य का हमेशा ही ये प्रयास रहता है कि गुरु अपने महिमा में, अपने महिमा में, अपने भाव में स्थिर रहे। इधर गुफा में धीरे धीरे पानी का स्तर बढ़ रहा है और एक समय गुफा के अंदर जल प्रवेश करना शुरू हो चुका, तो उनके जो दूसरे जो भक्त थे, उनके जो दूसरे जो सन्यासी थे, जो गोविंदपाद के जो और जो शिष्य थे, उन लोगों को बड़ा चिंता हुआ कि कैसे होगा, ये तो पानी बढ़ रहा है, गुरुदेव को तो रक्षा करना होगा, अगर गुफा में जल भर जाएंगे तब गुरुदेव तो गुरुदेव का तो मृत्यु हो जाएगा, उनके शरीर की रक्षा नहीं होगी। तो वो लोग ये सोच रहे हैं कि गुरुदेव को समाधि से, गुरुदेव का समाधि भंग करके उनको किसी सुरक्षित स्थान पे ले जाया जाए, ये वो लोग सोच रहे थे। जब ऐसा हो रहा है तब शंकराचार्य ने अपने हाथों से एक कुंभ बनाया, मतलब एक घड़ा बनाया, और उस घड़ा को बना करके उन्होंने गुफा के सामने, द्वार के सामने रखा और सब लोगों को कहा कि आप लोग चिंता मत कीजिए, गुफा का पानी जो है, गुफा में अगर पानी आएगा भी तो इस घड़े में गिरेगा, वो पानी गुरुदेव के समाधि में, वो पानी गुफा में नहीं आएगा और गुरुदेव के समाधि में किसी प्रकार का कोई बाधा उत्पन्न न करें, कोई प्रयोजन नहीं है। तो ऐसा हुआ, শঙ্করের এই কার্যকে সকলেই নেহাত ছেলে মানুষই বলে মনে করল। जब उन्होंने ऐसा किया तो सभी लोगों को लगा कि अरे ये तो बच्चा है, बच्चे की तरह का बात कर रहा है, ये चारों तरफ ये पूरा बार आ रहा है और वो एक छोटा सा कुंभ रख दिया, उसमें पानी भर जाएगा, ये कोई बात हुआ। किंतु सकले विस्मित हुए देख लो जे जलस्रोत कुंभ मध्य प्रवेश कर ही प्रतिहत और रुद्ध हो जाते, परंतु सब लोग आश्चर्य होकर देख रहे हैं ये जो जल का प्रवाह है, ये जल का प्रवाह है जो उस कुंभ में गिर रहे हैं, वो कुंभ में गिर करके वो धीरे धीरे वो शांत हो जा रहे हैं, ये पानी उस कुंभ से बाहर नहीं आ रहे हैं, जितने भी पानी उस कुंभ में जा रहे हैं अंदर जाकर वो पानी शांत हो जा रहे हैं। क्रमे बन्या प्रशमित हलो, गुहा निरापद, শঙ্করের এই অলৌকিক শক্তি দেখে সকলেই হতবাক। ইসকে ফলস্বরূপ কিয়া হুয়া, ও গুফা জো হ্যায় ও একদম নিরাপদ রাহা, উসমে কুছ নেই হুয়া। অর শঙ্করাচার্য কা ইয়ে অলৌকিক কার্য দেখকর সব লোক বিস্মিত হো গয়ে। ক্রমে বন্যা প্রশমিত হলো, গোবিন্দপাদ সমাধি হতে বিদ্যুত হলেন, ধীরে ধীরে যে বার আয়া থা ও বার ধীরে ধীরে কম হো গিয়া, और बार के कम होने के कुछ दिन पश्चात गोविंदपाद भी समाधि से व्युत्थित हुए, मतलब वो भी समाधि से निकल करके आए, उनका समाधि भी टूट भंग हुआ और वो धीरे धीरे जीव भूमि में, शरीर में वो वापस आए।
তিনি শিষ্যদের মুখে শঙ্করের অমানব আশ্চর্য কর্মের কথা শুনে খুশি হয়ে বিশেষ মস্তকে হস্ত স্থাপন করে বললেন, বৎস, তুমি শঙ্করাংশ সম্ভূত লোক শঙ্কর। जब उन्होंने ये बात सुना कि किस प्रकार से शंकराचार्य ने उस वन्य उस बार के समय किस प्रकार से गुफा को बचाया और किस प्रकार से अपने गुरु के मतलब समाधि को उन्होंने भंग होने नहीं दिया, तो गुरु जी उनके सर पे हाथ रख के कहे कि हे वत्स, तुम ही वो शंकर के अंश हो, तुम ही वो शिव के अंश हो, तुम ही वो शिवावतार हो। গুরু গৌরপাদের মুখে শুনেছিলেন তুমি আসবে এবং সহস্র ধারা নর্মদা স্রোত যেমন ভাবে এক কুম্ভ মধ্যে অবরুদ্ধ করেছ, তেমনি ব্যাসকৃত ব্রহ্মসূত্রের যে ভাষ্য তুমি রচনা করবে তাতে আপাত বিরোধী সকল ধর্মমতকে উচ্চতম সার্বভৌম অদ্বৈত ব্রহ্ম জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত করতে তুমি সমর্থ হইবে। তাও গুরুদেব শুনেছিলেন তার গুরু সুখদেবের মুখে, জিস প্রকার সে তুমনে ये जो नर्मदा का पानी को कुंभ के अंदर रख करके उस पानी को गुफा में आने नहीं दिया, कुंभ में ही तुमने जिस प्रकार से कैद कर लिया, तुमने जिस प्रकार से कुंभ में ही उस नर्मदा के पानी को रख दिया, वहां पे उसमें उसको बद्ध कर दिया, उसी प्रकार से व्यासदेव ने जो महर्षि व्यासदेव ने जो ब्रह्म सूत्र की रचना किया है, उस ब्रह्म सूत्र के ऊपर तुम ही वो भाष्य लिखोगे, मतलब उस ब्रह्म सूत्र का असली जो उस असली जो भावार्थ है, उस ब्रह्म सूत्र का भावार्थ क्या है, उसका मर्मार्थ क्या है, उसका भावार्थ उसका मर्मार्थ तुम ही लिखोगे, और तुम क्या करोगे, उस मर्मार्थ उस भावार्थ के सहारे उस भावार्थ के द्वारा तुम जितने भी धर्म मत है, मतलब जितने भी धर्म मत मतलब द्वैत अद्वैत विशिष्ट अद्वैत, ये जो बहुत सारे जो धर्म मत है उन सभी धर्म मत ये सब आपात विरोधी धर्म मत है, एक दूसरे का विरोधी है, पर तुम्हारे भाष्य से ये सभी जो धर्म मत है इन सभी को तुम एक सूत्र में बांधने में सफल होगे, अपने अद्वैतवाद द्वारा, अपने अद्वैत ब्रह्म के विचार द्वारा तुम्हारा जो ये भाष्य होगा वो सबके सबका समन्वय होगा, सबको एक साथ में एक ही धारा में एक ही सूत्र में बांधेगा और समन्वित करेगा। और ये गोविंदपाद कह रहे हैं, ये बात मैंने गौरवपाद से सुना था, ये बात बोल रहा हूं कि तुम ये कार्य तुम करोगे ये बात मैं अपने गुरु गौरवपाद से मैंने सुना था। और गौरवपाद ने किसे सुना था, गौरवपाद ने अपने गुरु सुखदेव से सुना था, और सुखदेव ने किसे सुना था, सुखदेव ने व्यास जी से सुना था। एक समय शंकर का अवतार अवतरित होंगे संसार में शंकराचार्य के रूप में, और वो इस ब्रह्म सूत्र का भाष्य को रचना करेंगे, मतलब भाष्य मतलब उस ब्रह्म सूत्र का भावार्थ क्या है, ब्रह्म सूत्र मतलब छोटे छोटे शब्दों में इस शास्त्र का जो अभिप्राय है उसको व्यक्त किया गया। ये इसलिए किया गया ताकि किसी भी प्रकार के विधर्मी शास्त्र के जो असली तत्व है उसको कभी भी खंडित ना कर सके, उसको कभी भी नष्ट ना कर सके, इसलिए ब्रह्म सूत्र की रचना किया गया था। और चूंकि ब्रह्म सूत्र बहुत ही कठिन था, इसको समझना बहुत ही कठिन था, लोग इसको नहीं समझ पा रहे थे, तो ऐसा आवश्यक हो गया कि कोई इस ब्रह्म सूत्र के ऊपर एक भाष्य लिखे, कोई तो हो जो इस ब्रह्म सूत्र को लोगों तक पहुंचाए, लोगों को बोले कि ब्रह्म सूत्र का मतलब यह है, इसमें ये तत्व दिया गया है, इसमें इस तत्व के बारे में बताया गया है, ये तो कोई बोले, ये बोलने वाला कोई नहीं था,
तो शंकराचार्य ने उस ब्रह्म सूत्र के भाष्य को लिखा था, रचना किया था, और इसलिए आज ब्रह्म सूत्र हमारे पास सुगम है। हम भी आज ब्रह्म सूत्र को पढ़ सकते हैं, शंकर भाष्य को पढ़ सकते हैं। तो ये बोले कि भगवान शंकराचार्य के गुरु गौरपाद, उनके गुरु सुखदेव, उनके गुरु व्यासदेव ने ये क्या ये कहा था, एक दिन ये आएंगे शिवा अवतार, शंकर अवतार आएंगे और वो ये भाष्य को लिखेंगे। एक विशेष कार्य साधनर जन्य तुम्हार जन्म, ये जो इसी कार्य के लिए, इसी विशेष कार्य के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है, हमें आशीर्वाद करी समस्त वेदार्थ तुम्हें ब्रह्मसूत्र भाष्य मध्य लिपिबद्ध करो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम सभी वेदों का अर्थ को, वेद के अर्थ को भी समझना बड़ा मुश्किल है। वेद का प्रतिपाद्य विषय क्या है, वेद क्या बोलना चाहता है, ये भी बड़ा मतलब समझना बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि वेद में बहुत कुछ बोला गया है, सब कुछ बोला गया है। ऐसा कोई विषय नहीं है जिसको वेद ने ना कहा हो। वेद का मतलब है ज्ञान, हर प्रकार का ज्ञान, लेकिन उन ज्ञान में, उस ज्ञान में सर्वश्रेष्ठ या वो ज्ञान कौन सा है जिसको पाने से मुझे पूर्णत्व का प्राप्ति होगा, वो ज्ञान कौन सा है। एक जगह पे भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति अविपश्चिता वेदवाद रता पाठ नन्यादस्तिति वादिनम। बोलेंगे देखो वेद मतलब ये जो सभी लोग हैं, सब लोग वेद को जानते हैं, सब लोग कहते हैं कि मैं वेद को जानता हूं, लेकिन वेद का असली स्वरूप क्या है, वेद का असली स्वरूप क्या है, ये बहुत कम लोगों को ही पता है। बहुत सारे लोग हैं जो अच्छी अच्छी बात करते हैं, सुंदर सुंदर बात करते हैं, और वो कहते हैं कि मुझे वेद का भावार्थ पता है, मुझे वेद का जो अर्थ है, मर्म है, वो पता है, लेकिन वो मिथ्या बात बोलते हैं, वो गलत बात बोलते हैं। इसलिए जो वेद के असली ज्ञाता है उसका चयन करना चाहिए, उनको ढूंढना चाहिए, कौन है जो वेद का असली ज्ञाता है, वास्तविक ज्ञाता है, उसी से वेदार्थ समझना चाहिए। तो शंकराचार्य के गुरु ने शंकराचार्य को वो दिया, आशीर्वाद दिया कि तुम तुम्हारा जो ये कार्य होगा, ब्रह्मसूत्र भाष्य जो लिखोगे, उसमें तुम पूर्ण रूप से उस वेदार्थ को मनुष्य के सामने लाओ कि वेद का जो वास्तविक प्रतिपाद्य विषय क्या है, और वेद का वास्तविक विषय क्या है। शंकराचार्य ने कहा कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीव ब्रह्मैव नापरः, कि ब्रह्म ही सत्य है, संसार मिथ्या है। मिथ्या मतलब जो दिखता है वो नहीं है। जैसे रस्सी में सांप दिखता है, सांप मिथ्या है, लेकिन उस सांप की जगह पे कुछ और है, वो क्या है, वो रस्सी है। रस्सी में सांप दिखने का मतलब ये नहीं कि सांप मिथ्या है और रस्सी भी नहीं है, ऐसा नहीं है। सांप मिथ्या है, लेकिन सांप के जगह पे कुछ है, वो क्या है, वो रस्सी है। तो जब ऐसा कहते हैं कि जगत मिथ्या है, इसका मतलब है कि जगत का जो नाम और रूप हमें प्रतीत होता है, ये नाम रूप मिथ्या है। ये सब, ये जो नाम और रूप जो दिखता है वो मिथ्या है, लेकिन उस नाम रूप के पीछे अस्ति भाति प्रिय, उस नाम रूप के पीछे जो अस्ति भाति प्रिय है वो सत्य है। उसी अस्ति भाति और प्रिय का अनुसंधान करना चाहिए, उसी को आध्यात्मिकता कहते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा है इस संसार को ठीक से देखोगे तो तुम्हें ईश्वर दिखाई देगा। ये किस, इसका मतलब क्या है, इस संसार को ठीक से देखो तुम्हें ईश्वर दिखाई देगा, इसका मतलब क्या है, इस संसार को देखते रहो तुमको भगवान दिखाई देगा। बोले नहीं, संसार को ठीक से देखो मतलब संसार को अच्छी तरीके से, उसके अंदर जाओ, उसके भीतर जाओ, उसके भीतर जाओगे तुम देखोगे कि संसार का नाम, संसार का रूप ये मिथ्या है,
संसार भी जो प्रतीत होता है वो भी सच्चिदानंद है। इसलिए हम लोग जो कहते हैं चिदानंद रूपहम शिवहम, शिवहम सब कुछ ही चिदानंदमय शिव है। सर्वम खलु इदम ब्रह्मा, सब कुछ ब्रह्म है। संसार नहीं है, संसार नहीं है, सब कुछ ही ब्रह्म है। আমি আশীর্বাদ করি সমগ্র বেদার্থ তুমি ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যের মধ্যে লিপিবদ্ধ করো। মে তুমি আশীর্বাদ দেতা হো কি তুম ইস ব্রহ্মসূত্র কে ভাষ্য মে সবই বেদার্থ কো তুম লিপিবদ্ধ করো, মতলব উসকো সংকলিত করো। তোমারে লিখন সে বেদ কা জো বাস্তবিক অর্থ হ্যায় ও সামনে আনা চাহিয়ে। গোবিন্দপাদ বুঝেছিলেন শঙ্করের শিক্ষা সমাপ্ত হয়েছে, গোবিন্দপাদ কো সমঝ মে আ গিয়া कि शंकराचार्य का जो शिक्षा है वो समाप्त हो गया। तोरियो ताहो सॉरी तारो का जो शेष हो गया, गोविंद बात समझ गए कि शंकराचार्य का शिक्षा जो है वो पूर्ण हुआ। और शंकराचार्य के शिक्षा के पूर्ण होते ही उनके जीवन का भी प्रयोजन पूर्ण हुआ। उन्होंने जो 1000 वर्ष तक समाधि में रहे ये एकमात्र शंकराचार्य के लिए ही रहे। वो आएंगे और उनको मैं ब्रह्म ज्ञान का ज्ञान देकर मैं अपने स्वरूप में लीन हो जाऊंगा। जब शंकराचार्य को ब्रह्म ज्ञान हो गया, वो उस ब्राह्मी स्थिति को पहुंच गए, उसी में स्थित हो गए, तब गोविंदपाद को लगा कि उनका जीवन का जो उद्देश्य है, उनके जीवन की जो प्रयोजन है, उनका जो जीवन का कार्य है वो भी पूर्ण हो गया। इन्हें एक दिन शंकर के डेके जिज्ञासा करलें, वत्स तुम्हार मने कोनो प्रकार सन्देह आछे कि, तुम्हार भेतर कोनो अपूर्णता अनुभव करो कि, अर्थात कोनो जिज्ञासा आछे कि तुम्हार। एक दिन गोविंदपाद ने शंकराचार्य को बुलाकर पूछा, हे वत्स क्या तुम्हारे अंदर कोई जिज्ञासा है, कुछ जानना चाहते हो? क्या तुमको ऐसा लगता है कि तुम अपूर्ण हो? क्या तुमको ऐसा लगता है कि तुम अपूर्ण हो, तुमने इसको नहीं जाना, उसको नहीं जाना, क्या ऐसा है? शंकर आनंदित हो गुरुदेव के प्रणाम करे बोलें, भगवान आपनार कृपाय आमार ज्ञातव्य और प्राप्तव्य आर किछुई नाई। शंकराचार्य आनंद से भरे अपने गुरु को प्रणाम करके कह रहे हैं, हे प्रभु आपके कृपा से मेरा ज्ञातव्य मतलब मेरा जानने योग्य, मैं ऐसा कुछ जानना चाहता हूँ जानने योग्य और प्राप्तव्य पाने योग्य, मेरा जानने योग्य और पाने योग्य ऐसा कोई भी विषय या वस्तु संसार में नहीं है, मतलब मैं पूर्ण हो चुका। हे प्रभु मैं पूर्ण हो चुका, आपने हमारे पूर्ण मनोरथ कर दिए, आपने मुझे पूर्ण मनोरथ, मेरे मन का जितने भी कामनाएं हैं, मेरे मन की जितने भी इच्छाएं हैं, उन सभी इच्छाओं को आपने पूर्ण कर दिया, आपने मुझे पूर्ण मनोरथ कर दिया। एखन अनुमति करूं अभी समाहित चित्त हुए चिर निर्वाण लाभ करी। इतने छोटे से बालक, 8 साल का बालक बोल रहे कि अभी आप अनुमति दीजिए कि मैं अपने चित्त को उस परमात्मा में समाहित करके मैं पूर्ण निर्वाण को लाभ करूं। क्यों? क्योंकि मेरा जीवन का तो प्रयोजन खत्म हो गया, मैंने उस परमात्मा को जान लिया है, मेरा कोई प्राप्तव्य या ज्ञातव्य ऐसा कुछ है ही नहीं, मुझे कुछ जानना है या मुझे कुछ पाना है ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं इस संसार में रह के क्या करूंगा, आप मुझे अनुमति दे मैं उस ब्रह्म में चिर लीन हो जाओ, उस निर्वाण को प्राप्त करो। कियत्काल मौन थेके गोविंदपाद बोलें शांत स्वरे, वत्स वैदिक धर्म संस्थापनेर जन्य देवादिदेव शंकरेर अंशे तोमार जन्म। कुछ देर बाद शांत रह के अब शंकराचार्य का ये जो बात है कि सुन के बोले, हे वत्स इस संसार में वैदिक धर्म को
प्रतिष्ठा करने के लिए शंकर के अंश, शिव के अंश में तुम्हारा जन्म हुआ है और तुम शिव के अंश हो। तुम्हार अद्वैत ब्रह्म विज्ञान उपदेश करार जन्य गुरुदेवर आदेशे आमी अपेक्षा करेछि सहस्राधिक बत्सर। उनको ब्रह्म विज्ञान देने के लिए, अद्वैत ब्रह्म विज्ञान देने के लिए, उस परमात्मा तत्व को तुम्हें देने के लिए मैं अपने गुरु की आदेश को मानकर, मैंने अपने गुरु के आदेश से मैं सहस्राधिक मतलब 1000 साल, 1000 वर्ष से भी अधिक काल मैंने प्रतीक्षा किया। मेरे गुरुदेव ने कहा कि शंकर के अंश से जन्मे शंकराचार्य आपके पास आएंगे और मैं तुम्हारे लिए सहस्राधिक मतलब 1000 वर्ष से भी अधिक समय मैंने तुम्हारे लिए प्रतीक्षा किया। आमी समाधि जोगे स्वस्वरूपे लीन होब। अभी तुम्हें मैंने समस्त ज्ञान को दे दिया और तुमने कहा कि तुम्हारा कोई ज्ञातव्य या प्राप्तव्य नहीं है, मतलब तुम्हें कुछ देना, देने के लिए मेरे पास और कुछ बचा नहीं। उनको सब कुछ मिल गया, मैं अभी अपने स्वरूप में लीन होऊंगा। गुरु बोल रहे कि मेरा जब कार्य खत्म हो गया तुमसे, अभी मैं अपने स्वरूप में लीन होऊंगा। तुम्ही अकोन ओभी मुक्त पूरी काशी धाम में जाओ। तुम अभी अभिमुक्त पूरी जो हमेशा ही मुक्त है वो काशी धाम वहां में जाओ। अभी समाधि সেখানে ভবানীপতি শঙ্করের দর্শন লাভ করবে। वहां पे जाकर ভবানীপতি माता पार्वती के पति, ओम नमः पार्वती पते हर, क्या बोले, ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव, पार्वती पति ভবানীপতি पार्वती पति ভবানীপতি शंकर का दर्शन लाभ करो जाओ। तीनी तुम्हारे जेमन निर्देश देवें शेरूपी करो, वो तुमको निर्देश देंगे क्योंकि तुम उनके अंश से जन्म हो। वो तुमको निर्देश देंगे और वो जैसा निर्देश देते हैं वैसा करो। शंकर मौन सम्मति सम्मति जानिए श्री गुरु आदेश शिरोधार्य कर निलें। शंकर मौनता से गुरुदेव ने जो कहा वो अपने मस्तक में ले लिए। अनंतर एक शुभ दिने गोविंदपाद शिष्य देर सकल के आशीर्वाद करे समाधि जोगे देहत्याग करलें। और कुछ दिन बाद एक शुभ दिन देखकर सभी शिष्यों को आशीर्वाद देकर गोविंदपाद जी स्वयं वो यतिराज गोविंदपाद जी अपने स्वरूप में लीन हो गए। उनको महासमाधि हो गया, मतलब एक ऐसा समाधि जो कभी भंग नहीं होता। पहले उनको समाधि हुआ, 1000 साल तक समाधि में रहे लेकिन वो समाधि भंग हो गया, लेकिन अभी जो समाधि वो लेंगे, अभी जिस समाधि में उन्होंने प्रवेश किया वो समाधि भंग नहीं होगा, तो महासमाधि में लीन हो गया। অনন্তর এক শুভ দিনে গোবিন্দপাদ শিষ্যদের সকলকে আশীর্বাদ করে সমাধি যোগে দেহত্যাগ করলেন। শিষ্যগণ যথাচার গুরুদেবের দেহের যোগী জনিত সৎকার করলেন নর্মদা শরীরে। অর গুরুদেব কা জব স্বরূপ মে চলে গে, জব উনকো মহাসমাধি হো গিয়া, তব শিষ্য লোক জিস প্রকার সে योगाचार करते हैं, जिस प्रकार से योग के द्वारा आचार करते हैं, वो सलील समाधि उनको दिया गया। तो आज यहीं पे हम लोग स्थिर रखते हैं, अगर कल लोग फिर से पढ़ते हैं। आज शंकराचार्य का शिक्षा पूर्ण हुआ और शिक्षा पूर्ण होने के पश्चात उनके गुरु ने कहा कि तुम काशी धाम जाओ। तो हम लोग काशी धाम में बैठकर हम लोग शंकराचार्य के जीवन में
जो हुआ था वो कल हम लोग पढ़ेंगे।